रहीम अलैक्म टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माई चैनल उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे अलहमदल मैं भी ठीक हूँ और आई होप कि आप लोग भी मेरी तरह रमज़ान शरीफ की तैयारी में मसरूफ़ होंगे और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ काबली पुलाव की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और मेरा नहीं ख़्याल कोई ऐसा होगा जिसको काबली पुलाव नापसंद हो तो जनाब आपने क्या करना है आप गोश्त ले लें पहले उसको अच्छी तरह से धो लें फिर उसको थोड़ी देर विनीगर में रख दें और फिर उसको ऑयल में छोड़ दें और जनाब उसमें आप डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट और उसकी आप बुनाई स्टार्ट कर दें ठीक है जी वो काम उधर हो रहा है दूसरी तरफ हम बनाएंगे मसाला यहाँ मैंने ले लिया है लौंग और ज़ीरा आपने ले लेना है सिनेमन uh, स्टिक्स ले लेनी है आपने और जनाब आपने सौंफ ले लेने हैं क्वांटिटी जो है वो आपने अपनी uh, गोश्त के अकॉर्डिंग और जितने आपने चावल बना जी तो बैक टू रेसिपी उसमें मैंने बादाम ले लिए थे और, और फिर उन सारी चीज़ों को पीस के मैंने गोश्त में डाल दिया गोश्त का मैंने आपको पहले बताया कि इसको मैंने ऑयल uh, और विनीगर में कोई 10-15 मिनट तक भुना है जितनी देर में मैंने ये मसाला ग्राइंड uh, किया था ठीक है जी बात क्लियर हो गई अब आपने इस गोश्त को अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है कि ये रेड और थोड़ा सॉरी नॉट रेड ब्राउन हो जाए ठीक है जी ऑयल जो है वो आपने ज़्यादा नहीं डालना बस आपने मुनासिब सा डालना है नो, 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 स्पाइसेस में सिर्फ मैं डालूँगी काली मिर्चें और वो भी ग्राइंड करके वो जो पिसी हुई मिलती है ना वो उनमें बिल्कुल जायका नहीं होता तो आप ग्राइंड करके हमेशा काली मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा सारी रख लिया करें अच्छा जी फिर मैंने इसमें सॉल्ट भी डाला था शायद मैं वो आ, बताना भूल गई जब मैं बुनाई कर रही थी तभी मैंने सॉल्ट डाला था और जनाब फिर आपने इसमें पानी डाल देना अच्छा मैं बना रही हूँ वन कप चावलों का तो पानी मैंने इसमें डाला था चार कप पानी के मैंने डाले थे और एक कप था चावलों का ठीक है जी जब ये एक कप रह जाएगा ना पानी का तब हमने इसमें चावल डालने हैं ठीक है अब जनाब दूसरी तरफ आपने गाजरें ले लेनी हैं उनको आपने जूलियन कट कर लेना है ये कटी हुई भी मिलती हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं अब मेरी कटिंग को इतनी अच्छी नहीं है तो जैसी भी शेप में कटी मैंने काट ली लेकिन अगर आप वो कटी कटाई ले लें तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी अच्छा चावल जो हैं वो आपने साथ ही भिगो के रख लेने हैं क्योंकि मैं कुकर नहीं यूज़ करती हूँ तो गोश्त गलने में टाइम लगता है तो उधर मैंने गोश्त में पानी डाला और इधर जनाब मैंने आज मैं बहुत जनाब जनाब कर रही हूँ एनी जनाब को एक साइड पर रखते हैं कैरी <laughs> ऑन करते हैं इस वक्त जो है मैं रेसिपी बताने में बड़ी मसरूफ़ हूँ और मेरी बेटी का बस नहीं चल रहा मैं वॉइस ओवर जो है ना वो चल फिर के कर रही हूँ मैं जहाँ जाती हूँ ना वो आके वो कहते हैं ना अटेंशन सीकर वो आके ना कुछ ना कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर देती कि मेरा ध्यान उसकी तरफ हो जाए अच्छा फिर आपने ये करना है आपने ये गाजरे मैंने काट के धो ली अच्छी तरह से इसको आपने जनाब कर लेना फिर जनाब नॉट अगेन अच्छा फिर आपने इन गाजरों को अच्छे से जो है वो हल्की आंच पे फ्राई कर ये जो आपको तवा नज़र आ रहा है ना जिस पे मैं गाजरें फ्राई कर रही हूँ इसकी भी एक बड़ी मज़े की स्टोरी है और उसकी स्टोरी ये है कि ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और दिखाया कुछ और था और आ कुछ और गया और ये ना इंडिया से आया इंडिया में आपको तो होता है ना छोटी छोटी रोटियाँ होती हैं वो लोग छोटी रोटियाँ पकाते हैं तो है बड़ा प्यारा क्यूट सा लेकिन जो मतलब चीज़ मैंने मंगवाई थी वो नहीं आई लेकिन ये भी बड़ा मजे का और इस पर रोटी जो है वो इतनी क्विक पकती है और काफ़ी ये ना भारी है और दूसरा ये कि आप छोटी रोटी बनाते हो और छोटी ही खाते हो मैं एक्चुअली बनाती हूँ हमारी ना अम्मी बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती है तो वो हाथ जैसे वो आदत पड़ी होती है ना बड़ी बड़ी रोटियों की तो इस तवे का फायदा ये है कि, कि आप जो है ना वो आप छोटी रोटी खाते हो तो मैंने ये मुझे सामने नज़र आ रहा था तो मैंने सोचा इसी में फ्राई कर लेती हूँ थोड़ी सी तो गाजरे और आपने किशमिश ले लेनी है जिसको मेवा भी बोलते हैं किशमिश भी बोलते हैं लेकिन हम इसको सौगी बोलते हैं सौगी के मैंने आपको बहुत सारे पहले फ़ायदे बताए हैं इसको भिगो के पीने के खाने के रगड़ के खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके चले उस टॉपिक पे फिर कभी बात होगी उस किशमिश को आपने अच्छी तरह से फ्राई करके उसको भी एक साइड पे रख लेना है ठीक है अगर आपने और भी मेवे डालने हैं तो वो भी आप आ, थोड़ा आप सिर्फ फ्राई करके तो रख लो लेकिन मैंने और मेवे नहीं डाले क्योंकि आजकल वो आपको पता है माशाल्लाह से पंजीरियाँ घर में दो तीन तरह की पड़ी हुई हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेवे खाने को दिल नहीं चाह रहा तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ बादाम ग्राइंड किए हैं ठीक है अच्छा अब आपने क्या करना है जब मैंने आपको बताया था पानी ड्राई हो के एक कप रह जाएगा तब आपने इसमें से गोश्त निकाल लेना है और आपने एक पैन लेके उसमें आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको थोड़ा फ्राई करना है वैसे तो ये पैन नॉन स्टिक है इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं होती लेकिन क्योंकि मैंने गोश्त को देना है कलर तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और वैसे भी जब मैं इसको फ्राई कर लूँगी तो ऑयल नीचे बैठ जाएगा और मैं जस्ट गोश्त जो है वो स्ट्रेन करके निकाल लूँगी ठीक है जी ये क्लियर हो गया अब जो हमने चावल धो लिए हैं जो हमने भिगोए हुए थे उनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और अब हम उस यखनी में जो है वो डाल देंगे चावल ठीक है और आपने आँच कर देनी है फुल और इस पानी को आपने फटाफट ड्राई करना है चावल आपने बहुत अच्छा लेना है काबली पुलाव के लिए आ, लेकिन एग्जैक्ट ये चावल भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ वफ़ा चावल वो क्योंकि हम जिस एरिया में मूव हुए हैं इधर से वो नहीं मिलते तो वो लेने के लिए ना हमें अपने पुराने एरिया में जाना पड़ता है जो कि जाना नहीं बन रहा आजकल तो निसार फिर ये डिफरेंट चावल लाए हैं ये हैं जी लैला बासमती चावल और ये भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह काफ़ी लंबे और बारीक चावल है और बड़ा अच्छा बनता है ये देखें अब फटाफट जो वो पानी है वो हो रहा है ड्राई और उधर से गोश्त जो है वो मैंने फ़्राई कर लिया है उसका बड़ा ख़ूबसूरत सा कलर आ गया है जो कि कलर मुझे चाहिए एक और बात आ, काबली पुलाव के लिए हमेशा जो गोश्त की बोटियां हैं ना वो बड़ी बड़ी कटवाएं ये 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 नॉर्मल साइज़ की हैं लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी बोटियाँ कटवाएंगे तो वो उससे ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं मज़ेदार तो खैर टेस्ट तो गोश्त का वही होता है लेकिन वो ना ख़ूबसूरत ज़्यादा लगते हैं तो ठीक है जी ये भी एक टिप हो गई फिर जब आप देखो कि पानी थोड़ा सा रह गया अभी चावल जो है ना फुल गले नहीं कच्चे कच्चे हैं ठीक है थीके? हमने दम में पकाना है फिर जनाब आपने जो है वो ऊपर जो हमने गाजरें फ्राई की हुई थी वो डाल देनी है और जो किशमिश जिसको मैं सौगी बोलती हूँ वो आपने ऊपर स्प्रेड कर देनी है और आपने इसको दम पे रख देना है और दम आपने तकरीबन आधे घंटे का दम आपने देना है और आपका काबली पुलाव हो जाएगा रेडी इसमें कोई स्पाइस नहीं है सिर्फ काली मिर्चे हैं नमक है और वो सारे मसाले हैं जो मैंने ग्राइंड करके इसमें डाले हैं और ये माशाल्लाह इतने मज़ेदार बने थे इतनी गज़ाइत वाले बने थे कि अगले दिन जब मैंने खाया तो और ये लजीज हुए हुए थे तो ज़रूर ये बनाइएगा अच्छा और रमज़ान शरीफ में क्या होता है कि ना स्पाइसी ज़्यादा चीज़ें खा खा के ना वो मैदे में जलन स्टार्ट हो जाती है तो इस तरह के जो चावल हैं वो आपके मैदे को जलन भी नहीं करेंगे और जो हैं वो मज़ेदार भी बड़े लगते हैं और वैसे भी इफ्तारी के बाद दिल चाहता है ना कुछ लाइट सा बंदा खाए ये गज़ाइत से भी भरपूर होते हैं फुल इनमें ताकत है और ये जो अफगानी होते हैं ना माशाल्लाह से इतने गोरे चिट्टे होते हैं हम लोग मिर्चें खा खा के हमारे मेदे तबाह हो जाते हैं। <laughs> अच्छा ये लोग आप, आपको जैसे पता है मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि मेरी फ्रेंड्स हैं अफगानी तो वो लोग जब इधर आती हैं ना तो वो उन्हें बड़ा हमारा खाना अच्छा लगता है क्योंकि वो लोग तो स्पाइस खाते नहीं हैं तो वो फिर फरमाइश कर कर के जो है ना चीज़ें मुझे पहले कहती हैं कि वो फलां चीज़ तुम बड़ी अच्छी बनाती हो वो बनाना ना जब हम आएंगे तो तो उन्हें हमारा खाना बड़ा अच्छा लगता है और जब मैं उधर जाती हूँ तो ऑफ कोर्स मिर्चें खा खा के मुझे उनका खाना बड़ा मजे का लगता है लेकिन वैसे मिर्चें कम ही खानी चाहिए Uh, सेहत के लिए जो है वो अच्छी नहीं होती अच्छा जी अब मैंने क्या किया था दम जब लग गया था ना फुल चावल पक गए थे तो मैंने ऊपर से गाजरे और किशमिश जो है वो उतार ली थी ताकि मैं फिर दोबारा से ऊपर जो है वो स्प्रेड करूँगी तो ये खूबसूरत लगेंगे ठीक है जी यहाँ हो गए हमारे काबली भ्राउ रेडी और मैं बोल बोल के मेरा मुंह बड़ा थक गया मुझे रखेगा दुआ में याद और अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखें आबाद रखें जब भी मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ मुझे दिल से दुआ दिया करें थैंक यू फॉर वॉचिंग